नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसके तहत जिलों में अपराधों की रोकथाम, नशे के कारोबार को रोकने के लिए समय समय पर चेकिंग की जाती है। इसी कड़ी में कालाडूंगी पुलिस ने चेकिंग के दौरान विजयपुर प्राइमरी स्कूल के अभियुक्त सन्यासी मंडल को 40 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं चेकिंग के दौरान निहाल गेट के पास एक अज्ञात व्यक्ति से पूछताछ के दौरान नीले रंग के बैग में 40 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। तो वहीं चौकी हल्दूचौर से पुलिस टीम बैरी पड़ाव वन विभाग धर्मकांटे के पास से संजय जोशी को 21 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि राज्य में अवैध नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर जिले की पुलिस नशे के कारोबार को रोकने के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का ये अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।